आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज अपने आसपास के स्थानों का प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग करना सीखेंगे। कुछ बच्चे कक्षा के लेआउट को लेकर बात कर रहे थे। अगर कक्षा की दरियों को कुछ ऐसे लगा दिया जाए कि कक्षा में खाली जगह बन जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ, कक्षा खुली भी लगेगी और साफ भी। कक्षा के कोने में किताबें रखने की जगह भी बन सकती है। एक कोना खेल, पहेलियाँ, पजल्स और बोर्ड गेम्स रखने के लिए भी बना सकते हैं। तभी अध्यापक कक्षा में आए। नमस्ते बच्चों, बूझिए तो आज आप सबसे मिलने कौन आए हैं? ये हैं श्री कृष्ण कुमार। ये एक वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट हैं। ये आपकी कक्षा को आपके अनुरूप बनाने में मदद करेंगे। बच्चों, मैं आपकी कक्षा का मानचित्र बनाने में मदद करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हम कक्षा तथा कक्षा में रखे जाने वाले प्रत्येक सामान की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इन मापों की मदद से हम एक ऐसा मानचित्र बनाएंगे जिसे हम कक्षा में रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान और उसके बीच की दूरी का अनुमान बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह मानचित्र एक पैमाने स्केल के अनुसार बनाया जाएगा जिसमें हम रेखाओं द्वारा दूरियों को दर्शाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें कमरे के तल, फर्श और दरियों की लंबाई व चौड़ाई भी चाहिए होगी। कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैमाना तय करना होगा। ये पैमाना क्या होता है? वास्तविक दूरियों को एक अनुपात में छोटा कर लिखने को मानचित्र के लिए पैमाना कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल लाखों वर्ग किलोमीटर है। भारत के मानचित्र में लाखों किलोमीटर को सेंटीमीटर की सहायता से दर्शाया जाता है। आओ पैमाने से संबंधित कुछ जरूरी बातें समझते हैं। मानचित्र में एक ही पैमाना हर लंबाई और चौड़ाई पर लगाया जाता है। पैमाना वास्तविक दूरी को अनुपातिक रूप से कम करने में सहायता करता है। दिए गए मानचित्र में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहाँ 500 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया। आओ बच्चों, मैं तुम्हें मानचित्र से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ। वस्तुओं को मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक समूह की वस्तुओं को दर्शाने के लिए एक रंग का प्रयोग होता है। हम सब ने भारत, विश्व तथा अन्य देशों के मानचित्र देखे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र, नदी, तालाब आदि को किस रंग से दर्शा सकते हैं? नीले रंग से पानी दर्शाया जाता है और अधिकतर हरे रंग से जमीन दिखाई जाती है और अन्य फीचर्स को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है। बच्चों, उम्मीद है कि अब आपको मानचित्र से जुड़ी आवश्यक बातें समझ आ गई होंगी। तो क्यों ना अब आप अपनी कक्षा के लिए मानचित्र बनाने का प्रयास करें। कक्षा के मानचित्र में भी हमने कई वस्तुओं को दर्शाया है। अगर हम रंगों के प्रयोग से इन्हें हाईलाइट कर दें तो मानचित्र में जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि रंग भरने के बाद आपका मानचित्र कैसा दिखता है। इस मानचित्र के अनुसार किए गए बदलावों को अपनी कक्षा में लेकर आप आसानी से अपनी कक्षा की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह सड़कों, प्रांतों, शहरों, देशों के मानचित्रों का प्रयोग प्लानिंग और प्रबंधन के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको मानचित्र बनाने का तरीका और उसकी बारीकियां समझ आ गई होंगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस वीडियो में हमने अपने स्थानों का प्रतिचित्रण करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।